अब हम लोग यहाँ पे एक एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। अब तक हमने यहाँ पे बात क्या क्या कर लिया था? हमने ये बात कर ली कि भाई कि एक्सेलरेशन जो होती है वो डीवी बाई डी टी के इक्वल होती है, वेलोसिटी आपकी जो है यहाँ पे डीएक्स बाई डी टी के इक्वल होती है, जो कि इंस्टेंट एक्सेलरेशन और इंस्टेंट वेलोसिटी के ऊपर बात हुई थी। अब पॉइंट ये है कि इसको अप्लाई कैसे करा जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि क्या बेसिक प्रोसीजर होगा। जब भी आपको यहाँ पे यदि एक्सेलरेशन दे रखी है, अब वेलोसिटी निकालना है तो v के आगे से t हटाना है तो we have to go for the integration। यदि वेलोसिटी दे रखी है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो we have to go for the differentiation। तो ये सारी बात डिस्कस हो चुकी है। अब एक काफी एक अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब ये आपका जो है अच्छा होता है, एक बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है, बट ये गलती मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर जाते हैं, तो गलती भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या गलती करते हैं एग्जैक्टली। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि एक पार्टिकल है, कहा गया कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज यू। सपोज एक कार ले लीजिए या कोई भी पार्टिकल ले लीजिए, क्योंकि कार को मैं एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकता हूं। पार्टिकल का बेसिक मतलब यहाँ पे होता है कि डायमेंशन इज नेग्लिजिबली स्मॉल, एक बात तो ये है ही। साथ में यदि कोई भी बड़ा से बड़ा बॉडी हो और सेम टाइम में हर पॉइंट बॉडी का सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, सेम डिस्प्लेसमेंट हो रही हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहते हैं कि भाई कि वो एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर ली जाती है। बेसिक बात यहाँ पे ये है। अब देखिए यहाँ पे कि उस कार या पार्टिकल की वेलोसिटी यू है और उसकी एक्सेलरेशन अल्फा टी है। देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू टाइम टी, ये की पॉइंट है। अल्फा कांस्टेंट है, लिखा नहीं मैंने, लेकिन अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट है, टी टाइम है। तो जब भी किसी भी के साथ टी लग जाए, कोई भी क्वांटिटी जो टी पे डिपेंडेंट हो, तो डेफिनेटली वो वेरिएबल होती है, वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब समझे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में अंतर है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, उस फिजिकल क्वांटिटी का कॉन्स्टेंट होना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, उसका वेरिएबल होना। अब वेरिएबल दो वजह से हो सकती है, यदि वेक्टर है तो या तो वो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर रही हो या उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा हो। बट यहाँ पे ये है बात कि यहाँ पे पार्टिकल तो स्ट्रेट पाथ पे चल रही है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है, राइट। तो वेक्टर में जरूर से ध्यान रखना कि वो वेक्टर यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म जो हो सकता है उसकी मैग्नीट्यूड चेंज ना करे बट डायरेक्शन चेंज कर जाए, तो नॉन यूनिफॉर्म है। ये बात ध्यान रखना है जरूर से, राइट। बट स्केलर में चूंकि डायरेक्शन की बात होती नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड ही चेंज कर दिया है, क्योंकि उसी के थ्रू हम लोग स्केलर को बेसिकली डिफाइन करते हैं या स्केलर के बारे में समझते हैं, तो वो वेरिएबल हो जाएगी या नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे अल्फा टी है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है। टी इक्वल टू जीरो पे एक्सप्रेशन जीरो होगी, टी इक्वल टू वन सेकंड पे एक्सप्रेशन अल्फा हो गया, अल्फा यूनिट हो गया, टी इक्वल टू सेकंड पे टू अल्फा यूनिट हो गया। तो इस तरह से एक्सप्रेशन इसकी क्या कर रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सप्रेशन, वेरिएबल एक्सप्रेशन, कांस्टेंट एक्सप्रेशन, इन सब का मतलब आपके दिमाग में जाना चाहिए। बट एक बात ये है कि जिस जो भी क्वांटिटी आपके टाइम पे डिपेंडेंट है, तो वो डेफिनेटली वेरिएबल होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगा, राइट। देखिए यहाँ पे तो अल्फा टी है, एट एनी टाइम टी बात हो गई। क्वेश्चन कहा गया कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी निकालना है, एक्सप्रेशन दे रखा है। तो बात यह है कि एक्सेशन दे रखा है, यदि वेलोसिटी निकालनी है तो बी के आगे से डी हटाना है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बात यहां पे यह है, प्रोसीजर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं अब बता रहा हूं कि कैसे काम कर रहा है। देखिए यहां पे ये स्ट्रेट पाथ मैंने ले लिया, इनिशियल वेलोसिटी यू है, यदि कुछ भी टाइम ना बोला जाए तो इनिशियल टाइम आप जीरो ले लीजिए। बात यह ध्यान रखना कि जरूरी नहीं कि हमेशा इनिशियल टाइम जीरो, यदि प्रॉब्लम में कुछ भी ना दे रखा है तो आप इनिशियल टाइम जीरो लेके काम कर सकते हैं। हो सकता है इनिशियल टाइम टी नोट दे रखा हो, तो आप टी नोट लेना। फिर तो टी इक्वल जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी यू है और एक्सेलरेशन अल्फा टी के इक्वल है, टी यहाँ पे लगा हुआ है, इसलिए एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रखे डीवी बाई डी टी इक्वल टू अल्फा टी, ये आप सबसे पहले लिख दिया हमने। v के आगे से बच्चों d हटाना है, v के आगे से हमें d हटाना है, तो we have to go for the integration। आपको क्या करना है, dv equal to लिख दीजिएगा अल्फा t dt, यहाँ पे dv equal to dt इधर जाएगा, तो dv equal to अल्फा t dt लिख दीजिएगा, और फिर इसके बाद प्रॉपर लिमिट प्लेस कीजिएगा इंटीग्रल साइन लगा करके। तो देखिए यहाँ पे अल्फा t dt इधर dv, जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी पार्टिकल की u है। लिमिट प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे लिमिट प्लेस करना है, नहीं करना है, मैंने क्लास 11 का जो डिफरेंशिएशन का एक लेक्चर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का दे रखा है, उसमें जाके जरूर से देखें, बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करा गया है कि लिमिट कैसे प्लेस करेंगे।
तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट टाइम की होगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी की यहाँ पे लोअर लिमिट आएगी। तो टी इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी यू है, एट एनी टाइम टी वेलोसिटी वी है, राइट। ये हमने लिमिट लगा दिया, पूरा काम हो गया आपका तैयार। अब केवल मैथमेटिक्स रहता है, कैलकुलस रहती है, जिसके थ्रू हमें काम करना है। अल्फा कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, अल्फा इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, तो अल्फा बाहर आ गया। टी डी टी जीरो से टी तक, और इधर डीवी यू से टी तक। अब बताइए डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, कर रखा है आपने एक्स रेस्ट टू द पावर एन। डीएक्स का फॉर्मुला यूज करने के बाद जो उसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस्ट टू द पावर एन का, क्या एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन प्लस सम कॉन्स्टेंट इनडेफिनिट इंटीग्रल में। जब डेफिनेट इंटीग्रल लगाते हैं तो उस केस में हम लोग सी लगाते नहीं है। तो डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय टू आता है। तो डीवी का इंटीग्रेशन वी, और इसको इंटीग्रेट करेंगे यू से वी तक, तो यू से वी तक हमने इंटीग्रेट कर दिया। इक्वल टू अल्फा टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय टू यू से वी तक। इसे मैंने यू से वी ले रखा है, एक्चुअली गलत है ये, ये जीरो से टी आएगा इधर, मैं ठीक कर देता हूं, जीरो से लेकर टी टी स्क्वायर बाय टू इंटीग्रल विल टेक प्लेस फ्रॉम जीरो टू टी। पहले मैंने यू से वी इधर लिख रखा था, तो यू से वी नहीं होगा, जीरो से टी होगा, इधर यू से वी होगा, राइट। अब देखिए यहां पे रखेंगे आप पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो आ गया वी माइनस यू। इधर रखेंगे पहले अपर लिमिट टी की जगह पे टी, तो टी स्क्वायर बाय टू माइनस लोअर लिमिट रखेंगे जीरो, तो जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया अल्फा टी स्क्वायर बाय टू। तो वी माइनस यू इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर बाय टू, हेंस वी इक्वल टू यू प्लस अल्फा टी स्क्वायर बाय टू, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम लोग प्रोसीड करेंगे। अब मैं एक गलती बता देता हूं आपको, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं। आपने क्लास नाइन्थ में कॉन्सेप्ट या कर रखा होगा कि v इक्वल टू यू प्लस एटी होती है, बिल्कुल करा होगा आपने। वेलोसिटी इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन टू टाइम होती है। तो लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह पर अल्फा टी प्लेस कर देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं यू प्लस अल्फा टी स्क्वायर। और यदि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ऑप्शन ये भी होता है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे जनरली ये कर जाते हैं, स्टूडेंट्स ये कर जाते हैं, या बहुत सारे लोग करते हैं b equal u plus kt लगा करके, बट वो गलत है। क्यों गलत है सोचिए आप, इसलिए गलत है क्योंकि b equal u plus kt जो होता है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड नहीं है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो वहां पे b equal u plus kt स्क्वायर आ जाएगा, जबकि यहां पे आएगा एग्जैक्टली तो मैं वो दिखा भी देता हूं करके गलत बात। देखिए यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि v इक्वल यू प्लस एटी, बट ये यहां पे अप्लाई नहीं करा जाएगा, ये सही है बट इसकी लिमिटेशन है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए सही है। तो v इक्वल यू प्लस एटी आप लिख सकते हैं, एक जगह पे अल्फा टी प्लेस कर देंगे और वी इक्वल यू प्लस अल्फा टी स्क्वायर लिख देंगे, सोचेंगे तो बहुत सही हो गया, हमारा आंसर सही आ गया, लेकिन ये गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि ये तब अप्लीकेबल है जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब अप्लाई करते, बट यहां पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसलिए गलत है। बार बार मैं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये क्वेश्चन कई दफे बच्चे ऐसे ही कर जाते, स्टूडेंट्स ऐसे ही कर जाते हैं, गलत आंसर लेके आते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं, ताकि आपको और या कुछ और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग जो आगे बढ़ के हम लोग काम करेंगे वो हमारा काम होगा कि जो आपका स्ट्रेट पाथ है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, तो कुछ बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशन है उसको डिराइव करना और उसको अप्लाई करना, राइट।